हाँ आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, हाँ आगे बढ़ाइए। हाँ माफी चाहूंगा, वो बच्चे का फोन आ गया था। नहीं कोई इशू नहीं। हाँ नेक्स्ट मैटर ये था, जैसे अभी हमने हमने बात की डिजिटल ह्यूमन आइडेंटिटी की, ठीक है सर। तो डिजिटल ह्यूमन आइडेंटिटी, हम और आप अभी जैसे बात कर रहे थे, हम राष्ट्र की बातें कर रहे थे। एक ग्लोबल टीम है जो कि ग्लोबल डिजिटल ह्यूमन आइडेंटिटी पे काम कर रही है। मैं उसमें सीनियर ग्लोबल एडवाइजर भी हूँ। ओ ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ ये इंटरनेशनल है, हमारा आदमी जाए और वो जाके अफ्रीका में मान लो उसके साथ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, पासपोर्ट भी छिन जाए, तो हाउ वी मतलब डिसाइड करिए कौन है। नॉट ओनली दैट, जैसे अपन ने पहली बात कर रहे थे कि ग्लोबल आइडेंटिटी में भी बाकी सब आइडेंटिटी मैप कर दी जाए। वही एग्जैक्टली सर। तो इसके लिए जो मैंने अध्ययन किया, तो जो जितने भी एनिमल्स होते ना जू में, चाहे अमेरिका के जू में कोई चिड़िया बंद है और वो एक सेम चिड़िया इंडिया के जू में बंद है, तो वो केवल उसके नाम से पता चल जाएगा, उसको टीका कब लगा, उसको लूज मोशन कब हुए, उसको दवाई क्या दी गई, सब डिटेल आती है उसका। जितना भी डाटा कहीं पे भी किसी भी आईडी के तहत कैप्चर्ड है, सिंस सभी आईडी आपस में मैप्ड होंगे, दैट इंफॉर्मेशन विल बी पूल्ड एट वन प्लेस। तो जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट उससे मैप है, तो आपका ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, आपका कब कब क्या क्या पैसे का मूवमेंट हुआ है। तो एनिमल्स के लिए है, तो हम चाहते हैं एनिमल वाला सिस्टम ह्यूमन के लिए आ जाए। आप इसको आप एनिमल वाला यहाँ आ जाए कहने के बजाय कहिए कि वी वांट टू ब्रिंग द ग्लोबल आइडेंटिटी। जब आप किसी को कहते हैं कि एनिमल वाला आ जाए, तो आदमी को लगता है कि यार हमको आप क्यों जानवर बना रहे हो। नहीं नहीं सर, मुझसे पूछा किसी ने कि क्या ये संभव है, एग्जाम्पल दीजिए, तो मैंने एग्जाम्पल भेजा था अभी लंदन। तो स्पिंक है, इसके ग्लोबल हेड है जो, तो ये अपना लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्टेड है, सभी लोग अच्छे लोग हैं काम कर रहे हैं। इसमें फिर मैंने टाटा कंसल्टेंसी को ऑफर किया, भाई इसमें सरकार तो बनाएगी नहीं ग्लोबल, आप बनाओ। तो टाटा ना वालों ने मना कर दिया, मतलब वहां से पॉजिटिव नहीं आया मुझे। अभी मैंने अमेजन से बात की सर। ओके तो अमेजन के जो एशिया पैसिफिक हेड है मिस्टर चंडो, उनको भी मैंने कम्युनिकेट किया और मेरी बातचीत अमेजन से इनकमिंग कॉल आई है मुझे मुंबई के फोन नंबर से कई बार। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। तो ग्लोबल अमेजन आइडेंटिटी दे देंगे वो अपना ब्रांड भी एडवर्टाइज करेंगे, और उस आइडेंटिटी को लेने वाले को उल्टे वो 100 GB या 200 GB गूगल में स्पेस में डाटा भी देंगे। व्हाट अबाउट द प्राइवेसी, व्हाट अबाउट द यूज ऑफ दैट आईडी एंड द डिटेल्स व्हिच इट विल बी कैप्चरिंग। सर उसमें बहुत ज्यादा चीजें कैप्चर ना करके लिमिटेड होगी वो, जिससे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पासपोर्ट भी ना हो बंदे का। तो नहीं, अभी आपकी ये लिमिटेड सोच ही सभी समस्याओं की जड़ है सर। लिमिटेड है लेकिन नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखिए भगवान के सोच में ऐड करेंगे ना सर, आपको ऐड करेंगे, बाकी बड़े लोग हैं जो वो अपना विचार देंगे, मजबूती आएगी। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो, छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे, रिफ्यूज टू थिंक स्मॉल, बड़ा सोचिए और बड़ा को क्रियान्वित करने के पाथवेज बनाइए। ग्लोबल ही सोच रहे हैं सर, ग्लोबल सोच। नहीं, अभी आप जो है ना ये डाटाबेस पहुंच जाएगा, इसको प्राइवेट कंपनी अपने जो है ना कॉमर्शियल लाभ के लिए यूज करेंगी। देखिए हम ईश्वर किसको कहते हैं, ईश्वर के चार गुण होते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी वेनवेलेंट, राइट। मतलब वो सर्वव्यापी है, सब जगह पे उपस्थित है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और सर्व दयालु है, ये चार शक्तियां हैं। तो सर्वज्ञानी जो है ईश्वर ने अपनी करैक्टरिस्टिक्स रखी है, इसका मतलब है द हैविंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जिस भगवान ने पूरा ज्ञान रखा, वो आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रख रहा है। उसके पास एक डिजिटल चित्रगुप्त है, उसके पास एक चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त का नाम सुना है? जब आप मरते हैं तो चित्रगुप्त की इस अदालत में आप जाते हैं और उनके पास अभी तो आपके पास तो अभी वीडियो क्लिप्स हैं, उनके पास तो हमेशा से वीडियो क्लिप रही हैं, राइट। तो वो आपकी वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, फिर आपके कंसल्टेशन में ये तय करते हैं कि आपने पुण्य किया या पाप किया, आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, व्हाटएवर, राइट। बट वो आपकी वीडियो क्लिप आपकी पत्नी को कभी नहीं दिखाता है, आपके ना पड़ोसी को दिखाता है, ना आपके मित्रों को दिखाता है, राइट। सो हमें वैसे ही डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट करना पड़ेगा
और यदि वो डिजिटल चित्रगुप्त जहां कहीं आप कानून की लक्ष्मण रेखा को पालन करेंगे तो वो डिजिटल चित्रगुप्त ही आपके खिलाफ रिपोर्ट करके सब एविडेंस दे देगा, राइट। और अदरवाइज यदि किसी थर्ड पर्सन को, यदि चेयरमैन, ये इसके लिए हमने बाकायदा एक एक्ट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है जिसका हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये ऑलरेडी ड्राफ्ट हैज बीन सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो उसका चेयरमैन है यदि वो आपकी प्राइवेसी को सरकार से भी शेयर कर लेगा तो 7 साल की जेल है उसमें। इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस, 7 ईयर इज द मिनिमम पनिशमेंट। एंड यदि आपने एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं तो पनिशमेंट विल नॉट रन कॉन्करेंटली, ये राइडिंग है उसके ऊपर। तो आपने चार इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो चेयरमैन महोदय 28 साल के लिए पैक हो जाएंगे जेल के अंदर, और उसकी रिपोर्ट जो है वो बैकएंड इंजन पे बैठा हुआ एआई खुद कर देगा। उसके लिए किसी आदमी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि करेक्ट, और वो एविडेंस भी दे देगा और बता देगा कि इस समय हमारे चेयरमैन महोदय कहाँ बैठे हुए हैं, जाके उन्हें गिरफ्तार कर दो। हाँ, टेम्परिंग कर रहे थे। हाँ, मतलब नॉट टेम्परिंग, ही कुड गेट द एक्सेस टू योर डाटा, ही वाज इलीगली शेयरिंग व्हिच ही वाज नॉट सपोज्ड टू डू दैट, ही कैन ओनली शेयर विद द पुलिस एंड कोर्ट, राइट। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पज। तो अमेजन को कोई रुचि नहीं होगी, अभी तो उनको लग रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत डाटा मिल जाएगा इसको हम कॉमर्शियली यूज कर लेंगे, दैट्स व्हाई ही इज इंटरेस्टेड, राइट। अमेजन को जो है, अमेजन हो चाहे गूगल हो, ये सब बनिया है, जब तक इनको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तब तक इनको किसी चीज में कोई रुचि नहीं है। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो ग्लोबल नहीं बना सकती है, वो नेशनल आइडेंटिटी बना सकती है। अरे तो भाई नेशनल आइडेंटिटी पूल हो गई तो ग्लोबल हो गई आइडेंटिटी। नहीं सर, वो उसका एक्सेस नहीं होगा ग्लोबली। नहीं नहीं, तो एक्सेस क्यों चाहिए? क्यूआर कोड से जो है ना, द वेयर एवर वट एवर इज रिक्वायर्ड विल बी अवेलेबल। हर किसी को एक्सेस क्यों चाहिए भाई? यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग। यू मे बी अ थ्रेट, यू मे बी अ टेररिस्ट, व्हाई यू शुड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मी? दूसरे देश में वो प्लेटफॉर्म नहीं होगा, वो हम ग्लोबल आइडेंटिटी। आई एम सेइंग कि वो जो बेसिकली यदि आपका इंटरनेट भी चल रहा है तो प्रोटोकॉल डेवलप होते हैं, तो आफ्टर नेगोशिएशन वो डेवलप कर लेंगे। अभी हमें हमारी प्रॉब्लम जो है अमेरिका का सिटीजन नहीं है, अफ्रीका का सिटीजन नहीं है, पहले हम अपना कर लें, राइट। और जैसे ही वो पासपोर्ट आए, जैसे ही पासपोर्ट आएगा तो हम जो है इंडिया में, सो वी विल क्रिएट हिज आइडेंटिटी। ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं, मतलब मैं ग्लोबल का जी मालूम नहीं है और हम ग्लोबल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो खुरापाती दिमाग कुछ ना कुछ सोचने के लिए आदि है तो वो सोच रहा है। मिस्टर ललित मोहन, अनावश्यक सोचने की बजाय यदि आप जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड सोचेंगे तो देश का ज्यादा भला होगा। जो भी ट्रेवलर्स होंगे केवल उनकी आइडेंटिटी फर्स्ट लॉक होगी इसमें। अरे भाई, तो आपका पासपोर्ट आया, इट विल क्रिएट ए आइडेंटिटी फॉर इंडिया। यदि आप इंडिया आ रहे हो और यदि आप बाकी जगह घूम रहे हो तो आप घूमते रहिए, वहां हम इंडियन हैं भाई, वी शुड बॉदर अबाउट द ग्लोबल आइडेंटिटी। और ग्लोबल आइडेंटिटी बनाना भी चाहेंगे देन देयर विल बी नेगोशिएशन इन यूनाइटेड नेशंस एंड वी विल कम आउट विद इट। एंड एवरीवेयर द राइट टू प्राइवेसी शुड बी देयर। व्हाई यू शुड नो आइडेंटिटी? व्हाई यू शुड नो आइडेंटिटी? You should not know identity. Only that भगवान की आइडेंटिटी भी तो चित्रगुप्त के पास ही रहती है ना सर। तो फिर ललित मोहन के पास क्यों आइडेंटिटी होना चाहिए? वो इंडिविजुअल के पास नहीं होगी, उसका प्रोटोकॉल होगा, वो भी ग्लोबल प्रोटोकॉल होगा सर। उसके लिए टीम काम कर रही है सर, मैंने आपसे शेयर किया आपकी भाई। वो जो है ना, जो टीम होगी वो बनियों की टीम होगी जो अपने लाभ के लिए होगा। ये बनिया जो है अपने लाभ के अलावा कोई तीसरी बात सोच ही नहीं सकते हैं सर। वो वॉलंटियर बेस्ड है सर, किसी को चाहिए कि मैं। देखिए, चित्रगुप्त क्या वॉलंटियर बेस? चित्रगुप्त वॉलंटियर बेस काम करता है क्या? नहीं सर, हम तो फिर हमें चित्रगुप्त क्रिएट करना है, बाकी जो बाकी दुनिया जो है ना भाड़ में जाए, वी आर नॉट रियली बॉदर्ड, राइट। इफ समबडी इज कमिंग टू इंडिया देन वी विल बॉदर अबाउट इट। तो उसका जैसे ही आई कार्ड होगा वी विल क्रिएट ए शॉर्ट आइडेंटिटी विच विल हैव हिज डिटेल्स। आई एम सेइंग वी आर रिफ्यूजिंग टू ऑनर ग्लोबल आइडेंटिटी बिकॉज योर आइडेंटिटी देन विल बी मिसयूज्ड बाय समवन एल्स।
जिसको हमारे इस नियम के तहत कि हम 7 साल साले को जेल भेजेंगे, यदि उसे ग्राह्य है तो हम ग्लोबल आइडेंटिटी पे बात करेंगे। ठीक है सर, 7 साल वो जेल